बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे देखने में। पे रुका रहे थे तो 5 बज जाते हैं। मुझे रेडी हो चुका है, फिलहाल ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा रुक भी है। प्लेसेस अच्छा अच्छा वो दिखा के जाना पड़ता है। इधर नीचे वगैरह क्या क्या है बता, छोड़ने के बाद मिलते हैं फिर। थोड़ा खाने पीने का भी, स्मॉलेस्ट आइलैंड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो 19 जैन है, संडे है। तो आज मैं और सुजय फिर से निकल पड़े हैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। तो हम लोग फिर से ब्रह्मपुत्र में आ गए। तो आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा वर्ल्ड का मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आइलैंड है, रिवर आइलैंड। तो हम लोग इधर असम में, असम के गुवाहाटी में है उमानंद बोल के, तो उधर हम लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल तो टिकट विकेट सब कुछ ले चुके हैं। फिंसी बाजार घाट से मतलब फेरी जाता है, पर पर्सन 40 रुपीज करके है टिकट फेयर। तो हम लोग ऑनलाइन भी काट सकते हैं आप लोग, तो हम लोग ऑफलाइन ले लिए। तो मैं सुजय तो पहले ही चढ़ चुका है, छोड़ देगा बोल के, नहीं छोड़ेगा मतलब 1:40 पे छोड़ेगा। तो अभी भी थोड़ा टाइम है, तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। तो चलिए उठ के फेरी में उठते हैं, तो उसके बाद आपको बातचीत करते हैं और व्यू भी दिखाते हैं। आपको लोग पता ही होगा ब्रह्मपुत्र का व्यू बहुत अच्छा आता है। देख सकते हैं गाइस भीड़ कितना है, और भी होगा, अभी तो टाइमिंग है और भी 15-20 मिनट छोड़ने में, तो इतना भीड़ तो ऑलरेडी हो चुका है, और भी होगा। और हम लोगों को उस वाले टापू पे जाना है, इधर जो दिख रहा है तो उसमें जाना है, तो वही है छोटा सा। तो बाहर तो आप मतलब व्यू को एंजॉय करने के लिए खड़ा हो सकते हो, अंदर भी बैठने का सुविधा है। ये देखिए अंदर बैठ सकते हैं आप टिकट लेकर। फेरी छोड़ने के बाद आप लोग से मिलते हैं। चलिए, ये फ्रेम में आया नहीं था, ये देखिए सुजय और हम लोग झालमुड़ी खरीद रहे हैं। ये रहा, हम लोगों का झालमुड़ी रेडी हो चुका है, ये देखिए सुजय को मिल चुका है, वही खाएगा, मैं नहीं खाने वाला। छाल मुड़ी, ये सो फाइनली बोट छोड़ दिया है उमानंद में जाने के लिए। और ये रहा गुवाहाटी का फेमस रिवर रोपवे, जो गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करता है, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है। और हम लोग फाइनली उमानंद पहुंच चुके हैं, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं बोट से, मतलब फेरी से निकल रहे हैं उमानंद के लिए। उमानंद के लिए मतलब ऊपर उठ रहे है, थोड़ा आप है, देखिए कितना भीड़ है, कितना लोग है। तो आज शिवरात्रि है और इधर शिव का ही मूर्ति है, तो भीड़ होना तो लाजमी है। ऐसा है व्यू, बहुत अच्छा सुंदर व्यू है। 40 रुपीज में एक्चुअली आना जाना दोनों है, तो हम लोग जो आए फिर से जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये रहा उमानंद का एंट्रेंस। तो फिलहाल ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा रुक गए थे, भीड़ था मतलब बहुत ज्यादा भीड़ था, तो मैं रुक गया था थोड़ा, अभी थोड़ा खाली हुआ है तो ऊपर जा रहे हैं। सीढ़ी है, टेंशन नहीं है, और अच्छा नजारा मिलेगा। तो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ और भीड़ तो बहुत ही है, तो पहले ऊपर नहीं जाते, इधर से मंदिर का रास्ता है।
पहले सराउंडिंग प्लेसेस आपको मतलब जगह जो भी है प्लेसेस अच्छा अच्छा वो दिखा देते हैं। तो थोड़ा चढ़ाई के बाद अभी उतरना पड़ रहा है व्यू दिखाने के लिए। इधर भी मतलब शॉप्स वगैरह थोड़ा है खाने पीने का, और हम लोग थोड़ा हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे हैं। उधर एक हनुमान मंदिर है और उधर से भी व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये रहा हनुमान जी। हम लोग थोड़ा घूमते घूमते भी पीछे की तरफ आए हुए हैं। थोड़ा इधर सुनसान है, उधर तो बहुत भीड़ था, तो इधर अच्छा लगेगा शायद आके। तो थोड़ा हम लोग बैठेंगे इधर। देखिए ओके 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 ओके। तो इधर का नजारा कुछ अच्छा है, पेड़ पौधा है, थोड़ा मतलब पीसफुल माहौल है। तो हम लोग इधर थोड़ा बैठेंगे, इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। देखिए उमानंद में अभी बोल सकते हैं आप 70-30 का रेशियो में चीजें है। 70% आर्टिफिशियल मैन मेड चीजें और 30% नेचुरल चीजें रह गया है। जब मैं छोटा था तब जब आया था तब एक्चुअली हम लोग पत्थर का चढ़ाई करके ऊपर आए थे। तो हनुमान मंदिर जिस तरफ था उस तरफ से हम लोग एक्चुअली चढ़ाई किए थे। तो तब का व्यू और भी पेड़ पौधा और भी बहुत कुछ था, तो अभी तो वो सब है ही नहीं। सो फाइनली मंदिर के मतलब अंदर जाने के लिए जा रहे जा रहा हूँ मैं। ये देखिए सीढ़ी, इसको चढ़ के उधर रहा मंदिर का मेन गेट। अंदर शिव मंदिर है तो शायद जा पाऊंगा, पता नहीं, बहुत भीड़ लग रहा है। देखता हूँ अगर जा पाऊंगा तो। और बोट भी आ चुका है, कितना भीड़ है। तो ये रहा गणेश मंदिर। गणेश मंदिर छोटा सा है साइड में, इधर भी हम लोग थोड़ा प्रणाम कर लिए। फोटो खींचना मना है और कैमरा भी अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं लेके तो नहीं जा सकता कैमरा। तो अंदर बड़ा शिव मंदिर है, मैं इधर से थोड़ा दिखाने का साइड साइड में छोटा छोटा सा मंदिर है, शिव ठाकुर का मंदिर है। ये देखिए इधर भी थोड़ा है, एकदम अंदर का तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो इधर भी है, देखिए इधर अलाउ है फोटोग्राफी, उधर का अलाउ नहीं था। चलिए मैं थोड़ा प्रणाम वगैरह कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं। निकल के टाइम में आप लोगों को मिलते हैं। कैमरा लेकर प्रणाम वगैरह होता नहीं है, तो वो थोड़ा करके आप लोगों से मिलते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर से उधर जो बाहर लाइन था वो आके उधर नीचे जाना पड़ता है। इधर सब लोग जा रहे हैं ना नीचे, इधर नीचे जाना पड़ता है। इधर नीचे ही शिव मंदिर है, बड़ा सा शिव मंदिर मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा एक्चुअली। तो देखिए कितना भीड़ है, कैसे लोग जा रहे हैं। हम अंदर तो नहीं गए थे, हम लोगों को पता ही है बहुत भीड़ था। तो बाहर से मतलब दिखाई जितना दिया उतना में, और छोटा छोटा मंदिर जो है उसमें हम लोग वो आशीर्वाद लेके थोड़ा आ गए। और किसी और दिन अंदर जाएंगे किसी दिन आके, अभी तो शिवरात्रि की वजह से बहुत भीड़ है। तो अभी अगर अंदर जाने मतलब
उसके लिए हम लोग ड्राइन पे रुका रहे थे तो 5 बज जाते। हम लोग फिलहाल गुवाहाटी के लिए निकल पड़े हैं उमानंद के लिए, और बोट भी आ चुका है, हम लोग का सायरन भी बज चुका था, तो हम लोग सोचा इसी बोट में रिटर्न करते, नहीं तो बाद में और देरी हो जाएगा, 4 बज जाएगा, 4 के ऊपर बज जाएगा। तो हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं, मैं सुजय दोनों रिटर्न कर, वो तो पहले ही जा चुका है, बोट छोड़ देगा उसी के चक्कर में डर की वजह से, तो शायद छोड़ा नहीं है, छोड़ेगा जो भी हो। हाँ तो चलिए बोट के ऊपर मिलते हैं, फिर आ ही गए बोट के सामने। दो बोट का लोग शायद एक ही बोट में चढ़ गया है, इतना भीड़ है, देखिए आते टाइम इतना भीड़ नहीं था, भीड़ था इतना नहीं था, जाते टाइम इतना भीड़ है, जगह ही नहीं है खड़ा होने का, और अंदर भी तो है ही बैठने का जो है बैठा हुआ है पूरा भी, और भी लोग आ रहे हैं, अभी छोड़ेगा सर। इधर थोड़ा खाने पीने का भी दुकान है, मतलब पार्किंग में, तो देखिए ये रहा। तो 4 बज गए थे तो खाना देख के, मतलब जलेबी वगैरह देख के हम लोग भी भूख लग गया, तो थोड़ा हम लोग भी खरीद लिए, तो खरीद के खा लिए, वैसे भी मंदिर में प्रसाद वगैरह मिला नहीं था। हाल तो बोला खाइबो ना, तो फाइनली सब कुछ डन हो चुका है, हम लोग जलेबी लिए थे तो वो भी खा चुके, थोड़ा भूख लगा था, मंदिर में तो प्रसाद नहीं मिला, तो चलिए अभी पार्किंग में आ गए हम लोगों का, ये देखिए सुजय चलाने का कोशिश में है, तो हम लोग अभी घर के लिए जाते हैं, रवाना होते हैं, शाम भी हो मतलब हाँ शाम हो चुका है, तो इसी ब्लॉग को इधर ही आप लोगों के साथ एंड करते हैं, दोबारा कहीं पे घूमने जाएंगे तो फिलहाल जरूर मिलेंगे आप लोगों से, तो चलिए बाय 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 बाय।